केजरीवाल सरकार द्वारा पेश किए जाने वाले बजट से सिर्फ आम लोगों की ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के विधायकों की भी काफ़ी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। वो आस लगाए हुए हैं कि जिस तरह पिछले 4 सालों में उन्हें विधायक फंड में पर्याप्त धन दिया गया, इसी तरह इस आखिरी साल में भी उन्हें पर्याप्त फंड अपने विकास कार्य कराने के लिए मिले तथा जिन योजनाओं को सरकार ने अधूरा रखा है उन योजनाओं पर काम तेजी से हो सके ताकि वह चुनावी वर्ष में जनता के सामने अपने हर वादे को पूरा करने की बात कह दोबारा वोट मांग सकें। विधानसभा में वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया बजट पेश करने जा रहे हैं और यह आम आदमी पार्टी सरकार के इस कार्यकाल का आखिरी बजट होगा, तो इससे बतौर विधायक आप क्या अपेक्षा रखते हैं, जो बजट में क्या होना चाहिए? आपको अगर याद हो तो पहले ही अपने बजट स्पीच में मनीष जी ने कहा था कि पहली ऐसी सरकार आई आम आदमी पार्टी की जो कि मैनिफेस्टो को कागज का टुकड़ा नहीं मानती है, उसे कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन मानती है। तो जो भी वादे हमने अपने मैनिफेस्टो में दिल्ली की जनता के साथ किए उसको पूरा करने का बजट होगा ये। आपने देखा होगा कि पिछले 4 सालों में किस तरह शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में, हर तरफ हमने वो काम करके दिखाए हैं जो आज हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है। चुनावी वर्ष है तो ऐसे में कोई विशेष घोषणा क्या वित्त मंत्री कर सकते हैं जनता के लिए? देखिए, हमारे लिए अगर आप पिछले 4 साल का बजट उठा के देखें, लगता है कि हर साल का बजट चुनावी बजट रहा है। तो इसमें भी हम चुनाव को देख करके कुछ ध्यान में नहीं बनाते, जनता के सुविधाओं को देख करके, अपने वादों को देख करके बनाते हैं। धन्यवाद। कल सिसोदिया जी बजट पेश कर रहे हैं तो बतौर विधायक आपकी क्या अपेक्षा है उनसे? हमें अपने माननीय वित्त मंत्री जी से, मनीष जी से बहुत अपेक्षाएं हैं और ये दिल्ली वालों के लिए अच्छा बजट आएगा और बहुत सी सहूलियत है वो दिल्ली के लोगों को मिलेगी और दिल्ली के लोग अच्छा महसूस करेंगे, ऐसी नहीं है। जैसा जनरल पब्लिक के अंदर सेंटीमेंट है, 2-3 चीज़ें हैं जिनका सेंटीमेंट बहुत पॉजिटिव है, लोगों को पसंद है। एक तो शिक्षा और स्वास्थ्य के अंदर लोगों के अंदर ये बात पहुंची हुई है कि शिक्षा और स्वास्थ्य को ये सरकार लगातार प्रायोरिटी पे रखेगी और इसके अंदर बजट देगी। तो एक तो ये हमारी भावना है कि इसके अंदर जो है सरकार प्रायोरिटी कम ना करे। इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स के अंदर सरकार पैसा दे, जैसे कच्ची कॉलोनियों के अंदर सड़क हो गई, यहाँ तक कि रेगुलराइज कॉलोनीज के अंदर सड़क हो गई, कहीं कहीं फ्लाईओवर्स या फुटओवर ब्रिजेस की ज़रूरत है उसके लिए सरकार पैसा दे। ट्रांसपोर्ट के अंदर जो मुझे लगता है कि जो बसेस की ज़रूरत है, इलेक्ट्रिकल बसेस के बारे में बार बार कहा जा रहा है, उसके लिए पैसा दे। और हम चाहेंगे कि पोल्यूशन के ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर भी कुछ कंसर्न जो है सरकार की दिखे।